नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गैजेट्स इन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर मीजू का नया स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है जिसका नाम है मीजू नोट 8। यहां पर दोस्तों बजट स्मार्टफोन है और आपको यहां पर स्पेसिफिकेशन भी बजट वाली ही देखने को मिलने वाली है इस स्मार्टफोन पे। यहाँ पर आपको ऑलरेडी मालूम है कि मीजू काफी पॉपुलर कंपनी है चाइनीज मार्केट में और यहाँ पर लॉन्च करते हुए आई है अपने मिड रेंज डिवाइस, हाई एंड डिवाइस और यहाँ पर बजट स्मार्टफोन। कुछ टाइम पहले कंपनी ने लॉन्च करा था मीजू 16 प्लस, जो कि काफी कमाल की डिवाइस है और 845 चिप के साथ में आती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मीजू नोट 8 की स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग के बारे में और जानेंगे क्या होने वाली है सारी ही डिटेलिंग। तो मेरे साथ में आप इस वीडियो को देखते रहो आगे, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं सोचता था कि यहाँ पर इंडिया में ही इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं डे बाय डे, लेकिन यहाँ पर चाइनीज मार्केट भी काफी बूमिंग पे है। यहाँ पर कंपनियां लॉन्च कर रही हैं चाइनीज मार्केट में भी काफी सारे स्मार्टफोन, चाहे वो शाओमी हो, वीवो हो, ओप्पो हो या फिर मीजू हो। दोस्तों, कुछ टाइम पहले यहाँ पर सैमसंग ने भी अपने दो स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में लॉन्च करे हैं जो कि ODM फोन्स हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मीजू ने भी अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और काफी यहाँ पर बजट वाला फोन है तो बिकने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आता है 6 इंचेस का डिस्प्ले जो कि IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले है और इसका रेजोल्यूशन 2160x1080 पिक्सल्स, साथ में 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में आता है और यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी आपको मिलती है 402 PPI की। मतलब यहाँ पर आपको नॉच नहीं मिलती है और प्रोटेक्शन को लेकर भी यहाँ पर कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी हाई है तो ये पूरा ही फुल व्यू डिस्प्ले है यहाँ पर मीजू नोट 8 का। दोस्तों, बाकी आपको मालूम है कि मीजू काफी अच्छे फोन्स यहाँ पर डिजाइन करती है और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छी रहती है, वो भी बजट के साथ में। दोस्तों, अगर हम इसके प्रोसेसर की तरफ जाएं तो यहाँ पर हमको प्रोसेसर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 चिप का सपोर्ट, जो कि क्वार्टर 2 में लॉन्च हुई है 2018 के और 40 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। साथ ही ये ऑक्टाकोर 1.8 GHz क्लॉक स्पीड पे काम करती है और यहाँ पर आपको एड्रीनो 506 GPU का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये जो चिप है 636 और स्नैपड्रैगन 660 के बीच में ही कहीं आती है और यहाँ पर ये बजट स्मार्टफोन पे यूजुअली यूज होती है। आपको मतलब बहुत कम फोन सभी होंगे जिन पे ये चिप आपको देखने को मिलती है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632। तो देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि कौन से स्मार्टफोन ऐसे आते हैं जिनमें हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 चिप का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही ये फोन आता है सिंगल वेरिएंट में, 4GB 64GB का ये वेरिएंट है और यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इसके कैमरे देखें तो यहाँ पर आते हैं डुअल कैमरा बैक पे और सिंगल कैमरा फ्रंट पे। यहाँ पर 12 MP प्लस 5 MP का रियर कैमरा है और यहाँ पर आपको ब्यूटी मोड्स मिलते हैं और एपर्चर मिलता है 12 MP वाले का f1.9 का। साथ में जो सेकेंडरी कैमरा है वो करता है डेप्थ सेंसर की तरह यहाँ पर काम और यहाँ पर फ्रंट कैमरा है दोस्तों आता है 8 MP के साथ में और आपको एपर्चर मिलता है f2.2 का। तो मतलब कैमरे भी यहाँ पर एवरेज देखने को मिलेंगे आपको। तो ऐसे में प्राइस ही एवरेज है तो कैमरे भी एवरेज होने बनते ही हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर प्राइस की अगर हम बात करें इस मीजू नोट 8 की, तो यहाँ पर प्राइस आता है 1298 चाइनीज युआन और इंडियन रुपीस में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं हम तो निकल के आती है 13,700 रुपीस। यहाँ पर मतलब क्वालकॉम का प्रोसेसर है, 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, साथ ही आपको 4GB 64GB का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन क्या फ़ायदा, इंडिया में तो कंपनी लॉन्च करती ही नहीं अपने स्मार्टफोन, काफ़ी अच्छे फ़ोन्स बनाती है कंपनी, तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये इंडिया में आ सकती है और काफ़ी अच्छे फ़ोन्स यहाँ पर डिलीवर कर सकती है इंडियन स्मार्टफोन यूज़र को। आप मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर अपना ओपिनियन देना, क्या सोचते हो आप इस मीजू नोट 8 के बारे में और आप चाहते हो कि ये फोन इंडिया में लॉन्च हो। दोस्तों, नीचे कमेंट में लिख लीजिए आप सारी ही ओपिनियन अपनी। दोस्तों, अगर हम इस मीजू नोट 8 के सॉफ्टवेयर पार्ट को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको फ्लाइंग UI बेस्ड एंड्रॉइड ओरियो 8.0 का सपोर्ट मिलता है। इसकी ओन UI है और काफी कमाल का एक्सपीरियंस आपको इसके साथ में मिलने वाला है यहाँ पर। दोस्तों, अगर हम कुछ और फीचर देखें जैसे कि यहाँ पर बैटरी, तो बैटरी काफी कमाल की है, 3600 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिलती है और जो करती है क्विक चार्ज को सपोर्ट और साथ में यहाँ पर एम चार्ज का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। 18 W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलने वाला है जो कि काफी कमाल की बात है, यूजुअली कंपनियां देती नहीं है, तो ये फोन करता है क्विक चार्ज को भी सपोर्ट, तो ऐसे मतलब काफी अच्छा होने वाला है सारा ही एक्सपीरियंस यहाँ पर। दोस्तों, कुछ और फीचर अगर हम इस मीजू नोट 8 के देखें तो आपको यहाँ पर डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, साथ में यहाँ पर डुअल मैन वाईफाई है, ब्लूटूथ 4.2 हो गया और नेविगेशन के लिए यहाँ पर GPS ग्लोनेस जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके पोर्ट्स की तो यहाँ पर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिल रहा है, साथ में यहाँ पर माइक्रो USB 2.0 का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर USB टाइप सी देते तो यहाँ पर पूरे ही लेटेस्ट फीचर हो जाते हैं इस स्मार्टफोन पे, लेकिन ऐसा कंपनी ने नहीं करा हुआ है। दोस्तों, बैक साइड में आपको मिलता है यहाँ पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि काफी क्विक होने वाला है इस फोन के साथ में,
तो आप मुझे नीचे कमेंट में ओपिनियन दे दीजिए कि यहाँ पर ये फ्रंट पे होना चाहिए था या फिर बैक में ही सही है। दोस्तों ये फोन आता है 4 कलर में, ब्लैक, ब्लू, रेड और पिंक कलर है चौथा। चारों ही कलर काफी ग्लॉसी डिजाइन के साथ में आते हैं और काफी कमाल के दिखते हैं। तो आप नीचे ओपिनियन दे दीजिए कॉमेंट में इस बजट स्मार्टफोन के बारे में, कैसी लगी आपको स्पेसिफिकेशन, कैसी लगी आपको प्राइसिंग इस मीजू नोट 8 की। बस यही सारी हैं बातें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोज लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।